नेता राहुल गांधी आज अपना सरकारी बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को बंगले से सारा सामान खाली कर दिया। अब वे मां सोनिया गांधी के साथ उनके घर पर रह रहे हैं। राहुल पहली बार अमेठी से 2004 में सांसद चुने गए थे। तब से वे तुगलक रोड लेन स्थित इसी सरकारी बंगले में रह रहे थे। सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने ऑफिस के लिए नई जगह की तलाश में हैं। कुछ साल पहले प्रियंका गांधी को भी SPG सिक्योरिटी कवर हटने के बाद लोधी स्टेट स्थित बंगले को खाली करना पड़ा था। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक बंगला खाली रख करने के लिए कहा गया था। राहुल ने 14 अप्रैल को अपना ज़्यादातर सामान सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित घर पर शिफ्ट कर दिया था। सांसदी जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, कभी OBC की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूँगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिस्क्वालीफाइड कर दे तो भी मैं अपना काम करूँगा। मैं संसद के अंदर रहूँ या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV।